नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने महाराष्ट्र के नागपुर का एक युवक 2 साल पहले पैदल सफर कर निकला था। 17 राज्यों का सफर तय करके वह आज अपना संदेश लेकर जांजगीर पहुंचा, जहां अलग अलग संगठन से चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मनोज अग्रवाल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के संचालक आलोक अग्रवाल जी, गजानन मेडिकल के संचालक एवं लैंस क्लब के अध्यक्ष देवेश ठाकुर जी एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने श्री रोहन अग्रवाल जी का भव्य स्वागत किया और उसका उत्साह वर्धन किया। जांजगीर पहुंचे रोहन अग्रवाल ने बताया कि वह देश और दुनिया को प्लास्टिक फ्री बनाना चाहते हैं। इसके इस्तेमाल पर पाबंदी की अलख जगाने के लिए वो पैदल चलकर लोगों तक ये संदेश दे रहे हैं। अपने इसी संदेश को लेकर रोहन आज जिला मुख्यालय जांजगीर पहुंचे, जहां अलग अलग संगठनों के लोगों ने उनका स्वागत किया और उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान रोहन ने बताया कि प्लास्टिक के दुष्परिणामों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 25 अगस्त 2020 से अपने पैदल सफर की शुरुआत की। वे अब तक देश के 17 राज्यों को पैदल चलकर 10,000 किलोमीटर नाप चुके हैं। रोहन का लक्ष्य 40,000 किलोमीटर सफर रूस के साइबेरिया तक पैदल यात्रा करने का लक्ष्य है। प्लास्टिक से मुक्ति के इस संदेश को लेकर रूस के साइबेरिया के ओम्याकोम तक जाना चाहते हैं, जहां तापमान 72 डिग्री रहता है और यह पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। रोहन ने बताया कि गत 2 वर्षों से पैदल यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना आदि अनेक राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र का रहवासी हूँ। मेरी उम्र 20 है और 2 साल पहले जब मैं 18 साल का था, 25 अगस्त 2020 को मैंने एक यात्रा की शुरुआत किया वाराणसी की पवित्र धरती से गंगा में स्नान कर यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, पौंडीचेरी और तेलंगाना करते हुए छत्तीसगढ़ मैंने 20 दिन प्रवेश किया था। छत्तीसगढ़ में 17वां राज्य है। तकरीबन 550 दिन का सफर हो चुका है। साथ ही साथ 10,000 किलोमीटर पैदल और 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा अभी तक मैं यात्रा कर चुका हूँ। ये जो यात्रा है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि लोगों को प्लास्टिक के बारे में जागरूक कर सकूँ, प्लास्टिक के होने वाली हानि के बारे में लोगों को समझाऊँ और प्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हैं, प्लास्टिक को कैसे रीयूज कर सकते हैं और प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। इसको अलग अलग तरीके से लोगों को बताता हूँ और समझाता हूँ। और आगे वाली जो आगामी यात्रा है वो होने वाली है साइबेरिया तक। साइबेरिया रशिया में आता है और पूरे विश्व का सबसे ठंडा जगह वहाँ पर एक स्थापित है, जिसका नाम है ओम्याकोम। ओम्याकोम का टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत आप दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है -72 होता है। हम वहाँ पे जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे और वहाँ पे जाकर हम भारत का नाम और भारत का गौरव दोनों पहले भारतीय बनकर तिरंगा फिराकर हम करना चाहते हैं। साथ ही अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया रहती है। कोई लोग सपोर्ट करते, कोई नहीं करते। अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, तो सफ़र का एक मतलब चलते रहता है। तो बहुत लोग, लेकिन ज़्यादातर मैं भारत में जितना भी घुमाऊँ, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, घुमाओ मदद की है और समझते हैं बातों को, मेरे को ये लगता है। 20 दिन हो गए छत्तीसगढ़ प्रवेश किए जी, कैसा लगा छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ अब तक का जो स्टेट मैंने जितने घुमा 17 राज्य, उसमें से सबसे अच्छा राज्य मेरे को छत्तीसगढ़ ही लगा है। क्यों, इसका बोलने का इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत हम्बल है, बहुत वेलकम अच्छे से करते हैं। साथ ही साथ ये बहुत वार्म लोग हैं, ये नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता हो पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो नेचर है वो छत्तीसगढ़ में ही है। इस वजह से भी लोग पर्यावरण को समझते हैं, और जहाँ पे मेरी सोच जो पर्यावरण के प्रति ही है और यहाँ पे लोगों की सोच जो पर्यावरण के प्रति ही रहेंगी, तो सामान्य बात है कि हमारा जो मिलाव है और मेरे को जो लगेगा वो अच्छा ही लगेगा। कल पता चला कामठी से रोहन अग्रवाल आ रहे हैं, जो कि 40,000 किलोमीटर की यात्रा लिफ्ट के माध्यम से और 10,000 किलोमीटर की यात्रा लगभग पैदल वो कर चुके हैं और एक अच्छा संदेश दे रहे हैं पर्यावरण के लिए कि नो प्लास्टिक्स और नो कचरा। सभी जगह ये घूमते हुए आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लगभग 17 जिलों से ये होकर आ चुके हैं। जैसे ही हमें पता चला, हमने एक उनका वेलकम प्रोग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है और सभी के लिए स्वागत के योग्य यह कदम है। बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला रोहन अग्रवाल का यह कदम है, पूरे देश के लिए अच्छा संदेश है और ये रशिया के किसी प्रांत में भी जाने वाले हैं। तो मैं सभी लोगों से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से निवेदन भी करना चाहूँगा, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से रोहन अग्रवाल जी का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ऐसी इच्छा शक्ति वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं पूरे देश में। और छोटा सा नन्ना सा बालक है, 21 साल शायद उम्र है इनकी, और विनम्र निवेदन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका सपोर्ट करें और इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें, ताकि ऐसे ही काम जिंदगी भर करते रहें और अपने जीवन काल में बहुत ऊंचे स्तर पर ये पहुंचे। धन्यवाद।